कार्यकाल आहोर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे आहोर विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जालोर में मेरा आना रहा है, भैरवनाथ जी के अखाड़े में, सिरेनाथ मंदिर में, जालंधर नाथ जी की जो पावन स्थली है, पूज्य बापू शांतिनाथ जी के सानिध्य में, पूज्य बापू गंगानाथ जी के सानिध्य में अनेक बार इस जालोर में मुझे आने का, विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि इस आहोर क्षेत्र में इस चुनावी सभा के बहाने ही सही आप सबसे संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा का चुनाव हमारे लिए केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता जनार्दन को शासन की योजना का लाभ मिले, यहां की बहन बेटियों के साथ साथ यहां के व्यापारियों और नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिले, विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार मिले और राजस्थान के समृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो, हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए एक नए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिस भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अगर हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो हमारे देश के 142 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ता है, हम सबका सम्मान बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है तो देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके आतंकी कृत्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसे मालूम है भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके वो पाताल लोक से भी से निकाल बाहर कर देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं ज्यादा दी, ये जो आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, या फिर जो भी भ्रष्टाचार की समस्या है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्या देती रही है, मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है, इनका रास्ता निकाला है। आतंकवाद की समस्या धारा 370 के माध्यम से कांग्रेस ने दी, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक समाधान दिया। कांग्रेस ने विकास में बैरियर खड़ा करके लोगों को योजनाओं से वंचित किया, मोदी जी ने हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल और नए नए यातायात के अन्य नए साधन उपलब्ध करवाने के कार्य किए। कांग्रेस गरीबों को, वंचितों को योजनाओं से वंचित करती थी,
के विकास में भारत के सभी लोग योगदान दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता तब कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी ने तो एक बात कही कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। भैया बहनों, सबका साथ और सबके विकास का परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं थे, उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला। 4 करोड़ गरीबों के पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे, उनको एक एक प्रधानमंत्री आवास मिला। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निशुल्क कनेक्शन मिले। 4 करोड़ गरीबों को बिजली के निशुल्क कनेक्शन मिले। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5,00,000 रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की प्रतिवर्ष की योजना मिली। तो कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिला है। यही है सबका साथ और सबके विकास का कार्य। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देश के अंदर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है। तो पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया है आपके फिर राजस्थान को? भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा ये राजस्थान, यहां का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए दुश्मन का सामना करता है, दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के ठिकाना लगाने का काम करता है, बहादुरी के साथ देश के लिए लड़ता है। और कांग्रेस की सरकार यहां पे नए प्रतिमान भ्रष्टाचार के स्थापित कर रही है। आज राजस्थान कहां पहुंच गया? भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, योजनाओं को गरीबों तक न पहुंचाने में सबसे पीछे, हर योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत। और आपस में ही नूरा कुश्ती हो रही है, आपस में ही सरकार में ही नूरा कुश्ती चल रही है। विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है, सामान्य नागरिकों को नहीं मिल पाता है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम आह्वान करने के लिए आए हैं, थोड़ा तुलना करिए। जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वह सरकार गरीबों के लिए कार्य कर रही थी, किसानों के लिए कार्य कर रही थी, यहां पे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे ही पिछली बार वह सरकार फिर से बनने में वंचित रही, कांग्रेस ने 5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार के कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर दिए। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, कांग्रेस सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का भी तो सम्मान नहीं कर सकती। याद करिए, कांग्रेस काशी में, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। पहले 5 श्रद्धालु वहां नहीं जा पाते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप उत्तराखंड में जाइए, केदारपुरी में फिर से पुनरुद्धार हो गया है, केदारपुरी का पुनरुद्धार हो गया है, और केदारपुरी फिर से विकास की ओर आस्था का सम्मान करते हुए दिखाई दे रही है। आप मध्य प्रदेश में जाइए, महाकाल का महालोक फिर से सज गया है, और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भी तो राम मंदिर बन रहा है ना, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना। अंतर यही है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार आएगी तो भाइयों बहनों,
राजस्थान में इस सरकार ने भ्रष्टाचार को भी बढ़ाया है और माफियाज को भी खूब बढ़ा दिया है। इतने माफिया यहां बढ़ गए हैं अब कि जहां देखो वहां एक नया माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पे गरीबों पर अत्याचार करने वाले माफिया, और एक लंबी फेरस्त है। आज राजस्थान विकास की योजनाओं में नहीं बल्कि गरीबों पर संकट ढालने वाला, किसी अच्छी योजना में नंबर एक पे नहीं है, भ्रष्टाचार में नंबर एक पर है, महिलाओं के अपराध में नंबर एक पर है, साइबर क्राइम में नंबर एक पर है, बिजली की दरें सबसे ज्यादा देश के अंदर राजस्थान में है, पेट्रोल डीजल का दाम बैठ के कारण सर्वाधिक राजस्थान में है, महंगाई इंडेक्स में सबसे ज्यादा यहां पर है, परीक्षाओं में पेपर लीक राजस्थान में हो रहा है, मंडी टैक्स यहां पे सबसे ज्यादा यहां पे लिया जा रहा है, और हमारा बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रोजगार न मिलने के कारण सर्वाधिक आत्महत्या भी राजस्थान में हो रही है। भाइयों बहनों, इससे मुक्ति के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, और याद रखना यूपी में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो माफिया के साथ क्या व्यवहार होता है सब जान रहे हैं ना। डबल इंजन सरकार का यही लाभ है, नागरिक सम्मान के साथ जीता है, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलता है, हर बेटी को सुरक्षा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी है, हर व्यापारी को बेहतर सुरक्षा है और आस्था का भी सम्मान है। कांग्रेस क्या राम मंदिर बना पाती? तो ये कांग्रेस ना विकास करा सकती है, ना रोजगार दे सकती है, ना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, तो फिर क्यों चुनते हैं इसको बार बार? ये राम मंदिर भी नहीं बना सकती, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती, और इसीलिए मैं आया हूं यहां पर आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लोकप्रिय विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आहोर विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। छगन सिंह राजपुरोहित को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजेंगे? भेजेंगे? आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा ना? आप इन्हें जयपुर भेजिए चुनाव जिता करके, और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान होंगे, तो आपका आशीर्वाद इनको मिले और प्रभु राम का आशीर्वाद इनके द्वारा आपको अयोध्या पहुंचा करके दिलवाया जाने का कार्यक्रम होगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ भा करके एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।